हिंदी के लिए सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपना दूसरा पार्ट जो चल रहा था, उसका दूसरा अंतिम भाग ब्रह्मंड गीत के कुछ पद हमारे चल रहे थे, उसमें देखिए चौथा पद। अंकिया हरि दर्शन की भुग्गी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रुखी। अवधि गणत इकटग मग जोवत, तब एति नहीं झुकी, अब इन जोग संदेशन उदो, अति अपुलानी दुखी। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुही पै पिवत पथु की, सूर शिकत हटि नाव चलायो, ये सरिता है सुखी। अकिया है हरि दर्शन की भूखी। जब उद्धव योग का ज्ञान या योग ज्ञान जो सुना रहा था गोपियों को, तो उससे ऊबकर गोपियां क्या कह रही है उद्धव को, अखियां हरि दर्शन की भूखी। अखियां हरि दर्शन की भूखी, यानी हमारी जो आंखें हैं वो तो श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी है, उनका दर्शन करना चाहती है। अखियां हरि दर्शन की भूखी, यानी उनका दीदार करना चाहती है, उनका उनके दर्शन के लिए भूखी है हमारी अखियां, और तुम हमें योग संदेश सुनाए जा रहे हो। कैसे रहे रूप रस राची, ये बत्तियां सुनी रूखी। कैसे रहे रूप रस राची, रूप रस राची का मतलब होता है उनके स्वरूप में आनंदित रहने वाली, यानी उनके आनंद जो स्वरूप को देखकर आनंदित होने वाली ये आंखें हैं, उनके रूप में बस जाने वाली ये आंखें हैं, ये बत्तियां सुनी रुखी, ये आपकी जो बातें हैं, बत्तियां का मतलब होता है बातें, आपकी जो योग रूपी बातें हैं जिनको गोपियों ने रुखी कहा है, ये योग रूपी बातें हैं, ये सुनकर ये आनंद प्राप्त करने वाली, उनके रूप में आनंद प्राप्त करने वाली आंखें कैसे रह सकती है, ये तो हरि दर्शन से ही सुखी हो सकती है, आनंद प्राप्त कर सकती है। अवधि गणत एक टक मग जोवत, अवधि मतलब समय, गणत मतलब गिनना, एक टक मतलब टकटकी लगाकर, मग का मतलब होता है रास्ता या मार्ग, और जोत का मतलब होता है देखना, यानी ये हमारी जो आंखें हैं ये तो समय को गिनते गिनते टकटकी लगाकर मार्ग देख रही है कि कहीं से श्री कृष्ण आ जाए, हमें दर्शन दी जाए। तब एति नहीं झुकी, झुकी का मतलब झुंझलाया या क्षुब्ध होना से ले सकते हैं, कि समय की गणना करते हुए जो हमारी आंखें है टकटकी लगाकर मार्ग को देख रही है, और इनमें बिल्कुल भी झुंझलाती नहीं है, चाहे कितना भी समय लग जाओ, हरि दर्शन के लिए भूखी है और टकटकी लगाकर रास्ते में देख रही है कि कृष्ण हरि आ जाए और हमें दर्शन दे जाए। अब इन जोग संदेशन उदो, अति अकुलानी दुखी, अब इन जोग संदेशन, जोग का मतलब योग, ये जो योग संदेश सुना रहे हो आप काफी समय से, इससे अति अकुलानी दुखी, अकुलानी का मतलब होता है व्याकुल और दुखी हो चुकी है, यानी ये जो हमारी आंखें या कह सकते हैं हमारा जो हृदय है, ये आपका योग संदेश सुनकर उब चुका है, काफी व्याकुल और दुखी हो चुका है, इसलिए आप ये योग संदेश अब बंद कीजिए। बारक वह मुख फेरे दिखाओ, दुही पै पीवत पतु की, बारक, बारक का मतलब होता है एक बार, बारक का मतलब क्या होता है एक बार, मुख यानी मुंह, फेरे यानी फिर से दिखाओ, यानी वो श्री कृष्ण का मुख हमें फिर से दिखाओ, उनके दर्शन हमें कराओ। दूही का मतलब होता है दूह कर, पय कहते हैं दूध को, पीवत यानी पीना, पथु की कहते हैं पत्ते से बने दोने को, जो पात्र बनाया जाता है ना पत्तों से, उसको कहते हैं पथु की। गोपिकाएं क्या कह रही है कि एक बार हमें वो मुख फिर से दिखाइए जिस मुख से श्री कृष्ण पत्ते के दोने में दूध दूकर पिया करते थे, उस मुख के दर्शन हमें एक बार फिर से करवाइए, या आपकी योग संदेश बंद कीजिए। सूर शिकत हटि नाम चलायो, ये सरिता है सुखी। सूर शिकत, शिकत कहते रेत को, शिकत किसे कहते रेत को, हटि का मतलब जबरदस्ती, नाव सरिता, सरिता यहां कहा गया गोपियों की हृदय, सरिता किसे कहा गया है गोपियों के हृदय को। सूरदास क्या कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही है कि इस रेत में आप जबरदस्ती
नाव चला रहे हो, ये सरिता तो सूखी है था, हमारा हृदय है वो तो सूखा है और जबरदस्ती इसमें योग रूपी नाव आप चलाए जा रहे हो, ये नहीं चलेगी। हमें तो सिर्फ हरि के दर्शन चाहिए, उन्हीं से हम सुखी हो सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे प्रश्न पूछा जाए तो कैसे पूछा जाए, जैसे ऐसा पूछा जाएगा कि अखियां किसके दर्शन की भूखी है, गोपी यो की अखियां किसके दर्शन की भूखी है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, हरि। ध्यान रखना उसमें कृष्ण भी ऑप्शन में आएगा लेकिन आपको पंक्ति के अनुसार ही उत्तर देना है, उत्तर हरि ही होगा, कृष्ण भी होगा, श्री कृष्ण भी होगा और भी उनके पर्यायवाची शब्दों में से दिया जा सकता है, तो जो हमारी पंक्ति में आ रहा है वही शब्द हमारा उत्तर होना चाहिए, अखियां हरि दर्शन की भूखी, तो हमारा उत्तर होगा हरि। ये बत्तियां सुनी रूखी, कौन सी बातों को गोपियों ने रूखी बताया है, योग रूपी जो बातें, योग संदेश जो उद्धव सुना रहे थे गोपियों को, उनको गोपियों ने रूखी कहा। अवधि गणत एक टक मग जोगत तब एती नहीं झुकी, गोपियां टकटकी लगाकर मार्ग में क्या देख रही थी, किसके इंतजार में मार्ग जो रही थी देख रही थी, तो हरि के इंतजार में, कृष्ण के इंतजार में वो देख रही थी कि हमें दर्शन हो जाए। जैसे ये पंक्ति है, बारक वह मुख फेरी दिखाओ दुई पे पीवत पतु की, जो पंक्ति देकर किसी भी शब्द का अर्थ पूछा जा सकता है, जैसे पतु की इसमें एक शब्द है थोड़ा नया, इसका अर्थ होता है पत्ते का बना हुआ दोना, पात्र या दोना। जैसे यहाँ शिकत का मतलब रेत है, ऐसे भी पूछा जा सकता है पंक्ति देकर कि सरिता का यहाँ क्या अर्थ है, तो गोपियों को हृदय से यहाँ सरिता का अर्थ दिया गया। अब देखिए अगला, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए सो दे बूति सांच न हंसी, को है जनक जननी को कहियत कौन नारी को दासी, केसो बरन भेज है केसो के ही रस में अभिलाषी, पावे को पुनि कियो अपनो जोरे कहे गो गौसी, सुनत मोन हवे यो ठग्यो सूर सबे मती नासी। निर्गुण कौन देश को बसी, गोपी कहे उद्धव से क्या कह रही है कि निर्गुण यानी निराकार ब्रह्म जिसके बारे में उद्धव गोपियों को बता रहे थे कि ये आपका निराकार जो ब्रह्म है, निराकार जो ईश्वर है, ये कौन है, किस देश का वासी है, वासी का मतलब वासी। गोपी कहें उद्धव से क्या पूछ रही है कि जिस निर्गुण या निराकार ईश्वर के बारे में आप हमें बता रहे हो वो किस देश का वासी है, कहां का रहने वाला है। मधुकर हंसी समझाए सो दे बूझती सांच न हंसी, मधुकर हंसी समझाए, भौरे को माध्यम बनाती हुई गोपी का क्या कह रही है कि आप प्रसन्नता पूर्वक हमें बताए, सो है दे बूझती, सो का मतलब होता है सौगंध, सो का मतलब क्या होता है सौगंध, कि हमें हम तुम्हें सौगंध देकर बूझती है, सांच का मतलब होता है सत्य, हम तुम्हें सोगन देकर पूछ रही है हमें सत्य बताओ, न हंसी हम हंसी नहीं कर रहे, मजाक नहीं कर रही है, हम वास्तव में सत्य पूछ रहे हैं आपको सोगन दिलाकर कि निराकार ब्रह्म या ईश्वर है जिसका गुणगान आप कर रहे हो ये कहां का वासी है। को है जनक जननी को कहियत कौन नारी कौन दासी, को है जनक, जनक का मतलब था पिता, और इसके पिता कौन है जननी, इसकी माता कौन है, कौन नारी यानी पत्नी और कौन इसकी पत्नी है, कौन दासी और कौन इसकी दासी है, आप जिस निराकार ईश्वर का परिचय हमें करवा रहे हो उसके पिता कौन है, इसकी माता कौन है, कौन उसकी पत्नी है और कौन उसकी दासियां है। केसो वरण भेष है केसो, केसो वर्ण यानी उसका रंग, वर्ण का मतलब क्या है रंग, कैसा उनका रंग है, भेष है केसो और कैसी उनकी वेशभूषा है, उनका भेष कैसा है, के ही रस में अभिलाषी, अभिलाषी का मतलब डूबे हुए या इच्छा रखने वाले, यानी कौन से रस में डूबे हुए रहने वाले, रस में इच्छा रखने वाले हैं, कैसे रस को पसंद करने वाले हैं, कैसा उनका रंग है और कैसा उनका भेष है। पावे को पुनी कियो आपनो जोरे
कहे को गांसी, गांसी का मतलब होता है कपटपूर्ण बातें। गांसी का मतलब क्या होता है? कपटपूर्ण जो बातें होती है उनको कहते हैं गांसी। गोपियां तो उसे क्या कहेगा? पावे को पुनी, पुनी का मतलब यहाँ फल से है कि अगर तुम हमें गांसी यानी कपटपूर्ण बातें बताएगा, झूठी बातें बताएगा बनाकर, तो इसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। ऐसा हमारे साथ झूठ कपट करेगा तो इसका पुण्य यानी फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, इसलिए तुम सत्य सत्य बताना कि ये निराकार ईश्वर कौन, इसकी पिता है कौन, माता है कौन, इसकी पत्नी है, कैसा इसका रंग है और कैसा इसका भेष है और कैसे रस में ये डूबने वाला है, जाने वाला है। सुनत मौन है रयो ठग्यो, ये सुनकर रयो ठग्यो मौन होकर, ये सुनकर वो तो मौन हो गया और ठगियो का मतलब ठगा सा रह गया। सूर सबे मति नासी, सूरदास जी कहते हैं कि सारी उसकी मति, मति कहते हैं बुद्धि को, मति किसे कहते हैं? बुद्धि को, नासी यानी नष्ट हो गई। यानी इस प्रकार के प्रश्न जब गोपियों ने उनसे कहे उद्धव से, तो वो ठगा सा रह गया, मौन रह गया और सारी बुद्धि उसकी ऐसा लगा जैसे नष्ट हो गई। अब देखिए प्रश्न, जैसे पहली पंक्ति है निर्गुण कौन देश को वासी, तो यह निर्गुण से अर्थ क्या है? पंक्ति देखकर पूछा जा सकता है निर्गुण का क्या अर्थ है, तो निर्गुण का अर्थ है निराकार, निर्गुण का क्या अर्थ है? निराकार। दूसरी पंक्ति है मधुकर हसी समुझाय, सो दे बूझती सांत में हसी, इसमें गोपियां उद्धव से क्या पूछना चाह रही है? तो आपका उत्तर है उद्धव से पूछना चाह रही है कि आपकी निराकार ब्रह्म है उसका परिचय कैसा है, उसके बारे में हमें बताइए वो कैसा है। कौन है जनक जननी को कहिए, तो कौन नारी को दासी, कौन है जनक जननी कौन है, कौन है नारी कौन दासी, ये पंक्ति गोपियां किसके परिचय के बारे में जानते हुए उद्धव से पूछ रही है, तो उसकी जो निराकार ईश्वर है उसको जानने के लिए पूछ रही है कि कौन उसकी माता है, कौन उसकी पत्नी है, कौन उसकी दासी है। पावे गो कुनी क्यों आपनो जोरे कहे गो गासी, गोपियां उसे कह रही है कि अगर वो कपटपूर्ण बातें करेगा तो उसको फल मिलेगा, तो गोपियां के क्या लग रहा है कि कैसी कपटपूर्ण बातें कर रहा है, तो वो योग रूपी जो बातें बनाकर कह रहा है अपने निराकार ईश्वर की, तो वो बातें गोपियों को कपटपूर्ण लग रही है। सुनत मौन हयो रयो ठग्यो सूर सब मति नासी, गोपियों की बात सुनकर कौन ठगा सा रह गया और किसी की मति है बुद्धि वो नष्ट हो गई, उद्धव की बुद्धि है नष्ट हो गई। अब देखिए अगला, बिन गोपाल बेरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की कुंजे, वृथा बहती जमुना खक बोलत है, वृथा फूले अली गुंजे, पवन पानी गणसार संजीवनी, दधि सूत किरण बानु भई गुंजे, ए उदो कहियो माधव सो विरह कदन करी मारत लुंजे, सूरदास प्रभु को मग जोगत अखियां भई बरन गुंजे। बिन गोपाल बेरिन भई कुंजे, बेरिन का मतलब होता है शत्रु या बेरी, बिन गोपाल यानी कृष्ण के बिना कुंज वृक्ष का समूह है कि ये जो कुंज है वो भी कृष्ण के बिना बेरी यानी शत्रु हो गया, ऐसा लग रहा है कि कृष्ण के बिना गोपाल के बिना ये कुंज है वो भी शत्रु हो गया है। तब ये लता लगती अति शीतल, तब यानी जब कृष्ण हमारे पास में थे, तब ये लताएं लगती अति शीतल बड़ी ठंडी लगती थी, अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाली लगती थी जब कृष्ण यहां थे, अब भई विषम ज्वाल के कुंजे, और अब हो गई है विषम यानी कष्टकारी, ज्वाल कहते आग को और पुंजे कहते समूह को, यानी एक आग के समूह के समान, बहुत बड़ी आग के समान ये दुखदाई लग रही है, जब कृष्ण यहां थे तब बड़ी शीतल लग रही थी और अब आग के समान कष्टकारी हो गई है। वृता बहती जमुना खग बोलत, वृता कमल फूले अति अली गुंजी, वृथा का मतलब होता है व्यर्थ, वृथा का मतलब क्या होता है? व्यर्थ। ये जो यमुना है
ऐसा लग रहा है व्यर्थ ही गा रही है। खग बोलत ये पक्षी व्यर्थ में बोल रहे हैं। वृथा कमल फूले अली गुंजे, और ऐसा लग रहा है कि जो कमल फूल कमल के फूल है इनके ऊपर अली का मतलब जो भूरे हैं, गुंजे का मतलब गुंजा रहे हैं, बोल रहे हैं। पर ऐसा लग रहा है कि कमल के फूलों के ऊपर जो भौरे गुंजार करे वो भी व्यर्थ है। यानी सारी चीजें कृष्ण के बिना व्यर्थ लगती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पवन यानी हवा, पानी, जल, घनसार कहते कपूर को। घनसार किसे कहते हैं? कपूर को। ध्यान रखिए नया शब्द है। संजीवनी या कहा गया बादल को, जीवन प्रदान करने वाला होता बादल, इसलिए कहा गया संजीवनी। दधिसूत का मतलब होता है चंद्रमा। दधिसूत का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। किरण बालू बई गुंजे, पवन पानी घनसार संजीवनी, दधिसूत किरण बानी बई गुंजे। गुंजे का मतलब होता है जलाना, बालू का मतलब होता है सूर्य। ये हवा, ये जल, कपूर, बादल और चंद्रमा की किरणें, ये भी सूर्य के समय समान है, मैं भूंज रही है, जला रही है। यानी वैसे तो शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं मानी जाती है हवा, जल, कपूर, बादल और चंद्रमा की किरणें, लेकिन कृष्ण के योग के कारण ये सारी शीतलता प्रदान करने वाली वस्तु भी भानु अर्थात सूर्य के समान हमें भूंज रही है, जला रही है। ए उद्धव कहियो माधव सो, हे उद्धव माधव से, श्री कृष्ण ने कहना, श्री कृष्ण से कहना, विरह कदन करी मारत लुंजे, यानी विरह जो वियोग है, कदन करी यानी कष्ट देकर, मारत का मतलब मारना, लुंजे का मतलब होता है अशक्त या विकलांग, लुंजे का मतलब अशक्त या विकलांग। गोपी कह रही है उद्धव से कि तुम माधव ये श्री कृष्ण के पास आकर कहना कि विरह के कारण गोपियां कष्ट से मर रही और अशक्त हो गई, विकलांग सी हो गई है। सूरदास प्रभु को मग जोगत, सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि गोपिकाएं मग मतलब तो रास्ता, जोगत का मतलब देखना, कि जो गोपियों की आंखें हैं वो श्री कृष्ण की राह देखते देखते अकियां बही बरन जो गुंजे, गुंजे कहते रत्ती को, रत्ती जिसे पुराने समय में सोना और रत्न तोले जाते थे, लाल रंग की होती थी, इसलिए कहा गया है कि सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां जो रास्ता देख रही थी श्री कृष्ण का, उनके आने की इंतजार में रहा देख रही, तो देखते देखते उनकी अखियां वो रत्ती के वर्ण के समान, रत्ती के रंग के समान लाल हो गई, यानी बहुत ज्यादा लाल हो गई। अब देखिए प्रश्न, बिन गोपाल बेरिन भई कुंजे, श्री कृष्ण के बिना गोपियों का शत्रु कौन हो गया है? कुंज। कौन हो गया है? कुंज या भिक्षु का सुंदर। तब ये लता लगती स्थिति शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पुंजे, कब ये लताएं शीतल लगती थी गोपिकाओं को, कब ये लताएं शीतल लगती थी? जब श्री कृष्ण के पास में, यानी संयोग अवस्था में ये लताएं शीतल लगती थी। कृष्ण वियोग के कारण गोपियों ने किन चीजों को व्यर्थ बताया है? यमुना का बहना, पक्षियों को बोल, पक्षियों का बोलना, कमल का खिलना, उसके ऊपर ब्रह्मा का गुंजार, ये चीजें कृष्ण वियोग के कारण उन्होंने व्यर्थ बताई है। जैसे ये पंक्ति है, पवन पानी घनसार संजीवनी दधि सूत किरण बानु भई, तो यहाँ पूछा जा सकता है कि घनसार का क्या अर्थ है? अर्थ हो जाएगा कपूर। दधि सूत इसका अर्थ हो जाएगा चंद्रमा। संजीवनी ये नए शब्द है, थोड़ा ध्यान में रखना। कपूर घनसार का अर्थ होता कपूर, संजीवनी या बादल को कहा गया है, और दधि सूत चंद्रमा को कहा गया। जैसे ये पंक्ति है, हे ए उद्धव कहियो माधव सो, विरह कदन करी मारत लुंजे, यानी क्या संदेश माधव जी ने श्री कृष्ण तक पहुंचाने के लिए गोपियां कह रही है, तो उद्धव से ये संदेश उद्धव के साथ भेज रही है कि श्री कृष्ण को कह देना कि व्यय के कारण उनकी स्थिति विकलांग के समान हो गई है, यानी हमारी जो वर्तमान स्थिति है इसको आप श्री कृष्ण तक पहुंचाना। जिसे अंतिम भक्ति है, प्रभु सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियां बही बरन जो गुंजे, कृष्ण की राह देखते देखते गोपियों की आंखें कैसी हो गई? रत्ती के समान हो गई, अर्थात बहुत ज्यादा लाल। धन्यवाद।